एवरीवन, वेलकम टू एसबीआई ऑनलाइन क्लास क्लास 7 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर लेसन 4 ओलंपिक है। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में जो आपकी यूनिट सेकंड में चैप्टर आने हैं थर्ड और फोर्थ, तो उसमें मैं आपको थर्ड चैप्टर रिवीजन करा चुकी हूँ, फोर्थ चैप्टर का रिवीजन कराने जा रही हूँ। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि आपके टेस्ट में चैप्टर के जो अंदर की पंक्तियां हैं उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना जरूरी है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करने जा रही हूँ मैं पार्ट 4 ओलंपिक खेल। इसे पुनः समझिए, जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। पाठ ओलंपिक खेल के उद्भव, विकास और उसके प्रसार की कहानी को प्रस्तुत करता है। तो ये जो चैप्टर है ये संकलित है आपका, ठीक है बच्चों? तो शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भोजन और शिक्षा के अतिरिक्त खेल कूद भी अत्यंत आवश्यक है। खेल से बच्चों का मनोरंजन होने के साथ ही उसमें अनुशासन और सद्भावना जागृत होती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि अरस्तु जी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तभी उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है। तो उसी अनुसार ओलंपिक खेल में भी है कि मनोरंजन होने के साथ ही उसमें अनुशासन और सद्भावना जागृत होती है। ओलंपिक खेलों का भी यही उद्देश्य है कि खिलाड़ियों में निहित प्रतिभा और शक्ति को जागृत किया जाए, विश्व के देश एक दूसरे के निकट आए, उनमें आपसी सद्भावना बढ़े। ईसा से लगभग 1200 वर्ष पूर्व यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। इस खेल के जन्मदाता हरक्यूलिस थे। तो इस खेल के जन्मदाता कौन थे? हरक्यूलिस थे। उस समय ओलंपिक खेलों में दौड़, कूद, रथ दौड़, भाला फेंक, कुश्ती, मुक्केबाजी आदि प्रतियोगिताएं होती थी। उस समय भी इन खेलों में सबसे ऊंचा, सबसे तेज और सबसे ताकतवर का चुनाव होता था, लेकिन उनको पुरस्कार के रूप में पदक या कुछ और चीज नहीं दी जाती थी, बल्कि विजेताओं को जैतून की पत्तियों की माला का ताज पहनाया जाता था। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष को ओलंपिक खेल के संस्थापक हरक्यूलिस ने लगाया था। खोज कार्यों से यह भी पता चलता है कि उस समय भी इन खेलों का आयोजन भव्य होता था। हजारों वर्षों बाद खेलों को फिर से प्रारंभ किया गया। बैरन पियर द कुबर्टिन फ्रांस के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उनका मानना था कि शारीरिक और मानसिक विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी उद्देश्य से सन 1888 में उन्होंने एक बिल संस्था की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य कार्य फ्रांस के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। उनके मन में यह योजना थी कि सभी देशों के खिलाड़ी एक स्थान पर एकत्रित हों और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लें। पहले तो कुतुबुद्दीन की बातों ने किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन बाद में 16 जून सन 1896 को इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, स्वीडन, यूनान, फ्रांस आदि देशों ने प्रतिनिधि खेल कूद पर बातचीत करने के लिए एक स्थान पर एकत्र हुए। वहां कुवर्तिन ने उन्हें अपनी योजना समझाई। उन लोगों को उनकी योजना पसंद आई और इन अंतरराष्ट्रीय खेलों को पुनः शुरू किया गया। इस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय वैरन पियरे द कुवर्तिन को जाता है। पहले आधुनिक खेलों का आयोजन सन 1896 में एथेन में हुआ।
इसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी आए और उसमें दौड़, साइकिल दौड़, लॉन टेनिस, तैराकी, निशानेबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन आदि खेलों को शामिल किया गया। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। इन खेलों में पहले केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, लेकिन अब इन खेलों में महिलाएं भी भाग लेती हैं। इन खेलों के उद्घाटन समारोह में यूनान के एथेन नामक स्थान से ओलंपिक मशाल को धावक उठाकर लाते हैं। यह मशाल खेलों के समाप्त होने तक जलती रहती है। इन खेलों में जो खिलाड़ी विजयी होते हैं उन्हें स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता पियरे ने सन 1901 में ओलंपिक समिति में पेरिस कांग्रेस को ओलंपिक ध्वज भेंट किया। इस ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है, उस पर एक दूसरे के गूंथे हुए 5 गोले बने हैं। हर गोले का एक एक महाद्वीप का प्रतीक है। हर गोल बैरेन पियरे दा कुवर्तिन ने यह भी कहा, ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण बात केवल जीतना ही नहीं बल्कि उनमें भाग लेना भी है। जीवन में आवश्यक तथ्य विजय मात्र नहीं अपितु अच्छी तरह जमकर संघर्ष करना है। वास्तव में ओलंपिक खेलों में विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के करीब आते हैं, उनमें मित्रता और सद्भावना बढ़ती है। इन खेलों के समय रंग, जाति, देश का भेदभाव बिल्कुल नहीं दिखाई देता, बल्कि सभी लोग में केवल मित्रता और एकता की भावना दिखाई पड़ती है। तो बच्चों ये तो आपका चैप्टर हो गया, इसमें ओलंपिक खेल कब से शुरू हुआ, पहले क्या पुरस्कार दिया जाता था, ये सारी चीजों का वर्णन हो गया। अब बात आती है इस चैप्टर की बच्चों एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में जो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये आप लोग जो मैंने पीडीएफ में भेजा था आप लोग नोटबुक में कर चुके हैं, चेक भी कर चुके हैं, तो उसको आपको लर्न करना है। जो इसकी एक्सरसाइज एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसे समझते हैं। ओलंपिक खेल के जन्मदाता थे, तो ओलंपिक खेल के जन्मदाता कौन थे, अभी आपने चैप्टर रीड किया, हरक्यूलिस। ओलंपिक खेल के जन्मदाता कौन थे, हरक्यूलिस। सेकंड है वैरन पियरे दा कुवर्तिन के रिक्त स्थान के, फिर रिक्त स्थान थे, तो इसका आंसर क्या होगा, वैरन पियरे दा कुवर्तिन फ्रांस के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। थर्ड, एक भी संस्था के संस्थापक सन रिक्त स्थान में की गई, तो इसका रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, 1888। तो क्या होगा, एक भी संस्था की स्थापना सन 1888 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज पर बना हर एक गोला एक रिक्त स्थान का प्रतीक है, तो इसमें आंसर आएगा एक महाद्वीप। तो क्या लिखेंगे, ओलंपिक ध्वज पर बना हर एक गोला एक महाद्वीप का प्रतीक है। इसके बाद नेक्स्ट, पुराने समय में ओलंपिक खेल में विजेता को रिक्त स्थान की पत्तियों का ताज पहनाया जाता था, तो इसमें क्या आएगा, पुराने समय में ओलंपिक खेलों के विजेताओं को जैतून की पत्तियों का ताज पहनाया जाता था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है अपठित अवबोधन, इसमें गद्यांश दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन आंसर इसमें से छाटने थे, मैं आपको ये करा चुकी हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं रीड करती हूँ और उसके क्वेश्चन आंसर आपको मैं आंसर दे रही हूँ। जैसे आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता पियरे ने सन 1901 में ओलंपिक समिति की पेरिस कांग्रेस को ओलंपिक ध्वज भेंट किया। इस ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है, उस पर एक दूसरे के गूंथे हुए 5 गोले बने हैं। हर गोले एक एक महाद्वीप का प्रतीक है। बैरन पियरे दा कुवर्तिन ने यह भी कहा, ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण बात केवल जीतना ही नहीं है बल्कि उनमें भाग लेना भी है। जीवन में आवश्यक तत्व विजय मात्र नहीं अपितु अच्छी तरह जमकर संघर्ष करना है। तो इसका क्वेश्चन है पहला, पियरे ने किसे और क्या भेंट किया, तो इसका उच्च आंसर होगा कि पियरे ने सबसे पहले इसमें इस ध्वज के पृष्ठ के सफेद
यह आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाताओं ने शेख मोहम्मद कांग्रेस को ओलंपिक ध्वज भेंट किया, ये इसका पहला आंसर है। दूसरा, ओलंपिक ध्वज पर बने गोले किसके प्रतीक हैं? तो इसका आंसर होगा कि ओलंपिक ध्वज पर बने गोले एक एक महाद्वीप का प्रतीक हैं। थर्ड क्वेश्चन इसमें है, जीवन में आवश्यक तत्व क्या है? तो इसका आंसर होगा, जीवन में आवश्यक तत्व विजय मात्र नहीं अपितु अच्छी तरह जमकर संघर्ष करना है। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका क्या है, निम्नलिखित शब्दों में संयुक्त अक्षर को अलग अलग कीजिए। तो लड्डू लिखा है ड और ड, हलंत लगा हुआ है और एक में हलंत नहीं लगा है, मतलब अर्ध और पूर्ण। फिर सेकंड है रद्दी में द और प्लस द, दोनों में है हलंत लगा हुआ है। पट्टी में भी इसी तरीके से होगा टा प्लस टा, पहले में हलंत तो दूसरा पूर्ण स्वर। फिर उसके बाद हा प्लस मा, हा में हलंत और मा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों का सही रूप है, अर्धयु लिखा है अर्धयु होगा। फिर धर्मार्थ, अधर्म और दीर्घ, इनका हम सारा आपको पीडीएफ भेज चुके हैं बच्चों। अब इस पीडीएफ के माध्यम से जो आपने अपने नोटबुक में वर्क किया है उसमें आप इस चैप्टर को अभी आपने मैंने रीड कराया, उसको आपने पुनः समझा, इसके साथ आप एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और चैप्टर के मिड से भी, बीच से, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से तरीके से तैयार करने हैं। आशा करती हूँ कि आपको यूनिट सेकंड का कोर्स बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया होगा। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपका दिन मंगलमय हो।